नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें दोस्तों बम्पर भर्ती आई है। कितने पद के लिए दोस्तों? तो 1,03,769 पद के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10th पास के लिए कितना पद है, ITI के लिए कितना पद है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, जितने भी दोस्तों इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां है इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि पास होने के लिए कैसे पढ़े और क्या पढ़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कितने पेज का है? तो टोटल 61 पेज का है। तो मैं 61 पेज पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? आप एक बार दोस्तों अपने आप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर भी दे दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके दोस्तों आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अपने आप से जरूर खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों मैं आपको दो डेट बताने वाला हूं। देखिएगा, फॉर्म कब से भरा जाना है, ठीक है? 12 मार्च 2019 से भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट दोस्तों कब है? ऑनलाइन देखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है क्लोजिंग डेट है 12 अप्रैल 2019। तो यहां जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है दोस्तों, 12 मार्च 2019 से स्टार्ट है और 12 अप्रैल 2019 तक भरा जाएगा। यानी 1 महीने का आपके पास टाइम है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म को पहले भर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 31 मार्च से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। लास्ट में क्यों नहीं भरेंगे? लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है जिसके कारण आपका फॉर्म छूट भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों 31 मार्च से पहले पहले फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे। अगर आपको एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप पहले फॉर्म भर लेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। और आप क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और दोस्तों, इस एग्जाम के लिए दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराने वाला हूं। 100% आपका सिलेक्शन होगा, बस आप मेरे द्वारा पढ़ते रहिए। देखिए, आगे आपको मैं बताने वाला हूं। देखिएगा यहां पर दोस्तों जो चीज है, डिटेल ऑफ वैकेंसी, देखिएगा वैकेंसी का एक बार देख लीजिए क्या क्या है। देखिएगा दोस्तों, ये जनरल के लिए यहां पे दिया गया है। जनरल के लिए कितना पोस्ट है? तो 42,355 पोस्ट है जनरल के लिए। एससी के लिए दोस्तों कितना पद है? तो 15,559 पोस्ट है। और एसटी के लिए दोस्तों कितना पद है? तो 7,984 पोस्ट है। और ओबीसी के लिए दोस्तों कितना है? 27,378 पद है, ठीक है? टोटल कितना है दोस्तों, और बता दो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है? इसके लिए 10,381 पद है, ठीक है? और दोस्तों टोटल वैकेंसी आपका यहां हो जाएगा 1,03,769 पद टोटल है, ठीक है? तो यहां पे ये सारी चीजें आप देख लिए। यहां पे दोस्तों 16 जोन का दिया गया है, आप किसी जोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। आप प्रिपरेशन अच्छे से मैं आपको कराऊंगा, किसी भी जोन से आप फॉर्म भरेंगे आप पास हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा किस जोन में आपके लिए फॉर्म भरना बेहतर रहेगा, ठीक है? तो आगे देखिएगा दोस्तों, आगे जो चीज है उसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा आगे। यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा आगे कहाँ से, 7 नंबर पेज पे देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एक बार अपने आप से आप जरूर पूरा पढ़िएगा दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे नेशनलिटी, सिटीजनशिप दिया है, ये सब तो आपके पास होगा ही। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है एज लिमिट। एज लिमिट देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, एज लिमिट दिया है कितना है, 18 से 33 साल। कितना है दोस्तों? 18 से 33। 18 और 33 के दोस्तों आप एज के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? और आपको दोस्तों बता दूँ, नेक्स्ट जो चीज़ है आगे देखिएगा, आगे जो चीज़ है वो भी आपको बता देता हूं। यहां पे दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी है, आयु में आपका छूट भी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहां पे दिया हुआ है 3 साल, एसटीएससी 5 साल, ठीक है? तो यहां पे दोस्तों एज लिमिट भी में आपको जो चीज है एज में छूट भी दी गई है। तो आपको ये छूट चाहिए तो एक बार इसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। चलिए आगे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा फी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके लिए देखिएगा यहां से 18 से देखिए 18 से 33 दिया हुआ है। और कहां से किसके, यानी कि पहले का नहीं होना चाहिए। अगर जो जनरल है 2/7/1986 के पहले नहीं होना चाहिए। ओबीसी है नॉन केवन 2/7/1983, ऐसे एसटीएससी है तो 2/7/1981, ऐसे आपका डेट दिया गया, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज है दोस्तों आगे देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
देखिए आगे जो है दोस्तों एग्जामिनेशन फी है, एग्जामिनेशन दोस्तों फी है, आपको बता दूं दोस्तों जो एग्जामिनेशन फी है वो क्या है दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों 500 रुपये है, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये फी है। और जो दोस्तों जब आप CVT 1 एग्जाम यानी पहला जो एग्ज़ाम होगा इसका, वो दोस्तों आप क्या करेंगे, जब पहला एग्ज़ाम दोस्तों जब होगा उसे आप दोस्तों दे लेंगे तो आपका 400 रुपये क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा जनरल और ओबीसी के लिए। और दोस्तों SC ST PH और फीमेल कैटेगरी के यानी फीमेल कैटेगरी के आल कैटेगरी के फीमेल के लिए कितना है दोस्तों, 250 रुपये भी है, कितना है 250 रुपये, और एग्जाम पहला जब दे लेंगे तो 250 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपना बैंक डिटेल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है आगे देखिएगा दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला दोस्तों रिजर्वेशन के लिए, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, और कुछ छूट जाए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत दोस्तों आते हैं उनको 10% का रिजर्वेशन भी मिलेगा, वो बशर्ते उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में एक बार आप अच्छे से जान लीजिएगा क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ये सब आपके पास है तो आप 10% रिजर्वेशन के हकदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला दोस्तों एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है इसी पे आपका सिलेक्शन होना है, पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है आइए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अगला जो चीज है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कहां पे है, आगे थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिएगा, हाँ जो आपका एग्जाम दोस्तों होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा, कितने मिनट का होगा मैं बता रहा हूं, देखिएगा 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का मतलब क्या, 1.5 घंटे का पेपर होगा। देखिएगा जनरल साइंस का दोस्तों क्वेश्चन कितने होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 25, देखिएगा कितना होगा दोस्तों, जनरल साइंस यानी साइंस के विज्ञान के प्रश्न होंगे 25, मैथमेटिक्स यानी गणित के दोस्तों प्रश्न होंगे 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न होंगे 30, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के प्रश्न होंगे 20, टोटल क्वेश्चन दोस्तों कितने होंगे 100, एक कितने नंबर के होंगे 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और 1.5 घंटे का पेपर होगा। दोस्तों ये जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इसमें आपको होंगे क्वेश्चन मैं पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं, और आपका श्योर सिलेक्शन होगा, बस आपको क्या करना है दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आइए आपको और आगे दोस्तों बताता हूं, यहां पे देखिएगा दोस्तों माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग है, देखिएगा नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब है दोस्तों आप 3 क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे तो एक आपका सही भी चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से करना है। चलिए आगे दोस्तों आपको बता रहा हूं फिजिकल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिए फिजिकल के बारे में देखने से पहले यहां पे देख लीजिएगा दोस्तों, यहां मैथमेटिक्स में बताया गया है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बताया गया है किस किस चैप्टर से आएंगे, जनरल साइंस में भी बताया गया है कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से भी बताया गया है कि कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। जितना भी दोस्तों आपका सिलेबस है मैं पूरा आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों आपको करना क्या है, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करना है और हमसे जुड़े रहना है। हमसे जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमसे जुड़े रहना है, हमसे जुड़े रहेंगे दोस्तों तो मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूं दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और पिछली बार ग्रुप डी का हुआ तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स भी चलाया, सारे जोन का पेपर भी कराया, इस बार भी दोस्तों आपको सारे जोन का पेपर भी दिखा दूंगा कि किस जोन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों आपके सारे सिलेबस की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से आपको करना है। देखिएगा फिजिकल के लिए भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों क्या है, 35 kg वेट लेकर दौड़ना है 100 मीटर, कितने मिनट में दोस्तों, तो 2 मिनट में, ठीक है, और क्या है दोस्तों यहाँ 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों क्या है 20 kg वेट लेकर 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ लगानी है, ठीक है, और क्या है दोस्तों इसके साथ साथ ही 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में ये करना है, ये फिजिकल की रही बात, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है फिजिकल है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रही मैं आपको बता दिया, अगर जो इसमें दोस्तों आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया है, कुछ पूछने हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। हाँ, और एक चीज़ और रहा दोस्तों, 10th पास और ITI के लोग दोनों लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्म को
फिलअप कर सकते हैं। टेंथ पास है तो भी फॉर्म भर लेंगे, आईटीआई आपके पास है तो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिलअप कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, एग्जाम दोस्तों इसका कब होगा देखिएगा, एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल डेट भी दिया है यहाँ पे देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो एग्जाम है, टेंटेटिव शेड्यूल दिया है दोस्तों सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच में होने वाला है। यानी आपके पास दोस्तों टोटल 5 से 6 महीना है, ठीक है 5 से 6 महीना। अगर जो दोस्तों आप 5 से 6 महीने डेली 3 से 4 घंटे प्रिपरेशन कर देंगे तो मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप हमसे दोस्तों जरूर जुड़े रहिएगा, मैं आपको इस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराने वाला हूं और काफ़ी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। दोस्तों इस एग्जाम के लिए एक अच्छी बुक भी पंचम पब्लिशर की है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिएगा दोस्तों ये पंचम पब्लिशर का ई बुक है दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया प्लस 10 वन लाइनर सेट दिया गया। वन लाइनर सेट में दोस्तों साइंस के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा दिए गए हैं दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर, इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। इसमें साइंस जनरल अवेयर करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपये मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों। इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको सारे को ये सब वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर कर देंगे दोस्तों जितने भी आपके पास दोस्त है, ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के साथ और तैयारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।